एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पेशे से और उन्होंने दो इदारे बहुत मजबूत बनाए हैं, एक है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स और दूसरा है पासवाने मिलत। तो बिना ज्यादा वक्त जाया किए मैं सर से दरख्वास्त करूंगी प्लीज इस शाम को आगे बढ़ाएं और हमारे ऑडियंस को एड्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया दरअसल मैम। मेरी अम्मी यहाँ बैठी हुई है, मेरे वालिद साहब भी बैठे हुए हैं, मेरी अम्मी, मेरे वालिद साहब, साबिर भाई, हमारे अजीज दोस्त, स्टेज में बैठे हुए तमाम हमारे गेस्ट और आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और आदाब। मैं सबसे पहले तो जो लोग यहाँ पर तशरीफ लाए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खास तौर पर आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से शहर बॉम्बे में बारिश हो रही है, ना सिर्फ आज बल्कि पिछले एक हफ्ते से जो लगातार बारिश हो रही है उसके बावजूद अभी ये प्रोग्राम में जब आने का वक्त था तो और तेज बारिश हो रही है, उसके बावजूद आप सब लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग आज इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ये अपने आप में एक बड़ा काम है, मैं अल्लाह का करम समझता हूँ, रहमत समझता हूँ। आमतौर पर जब भी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ पिछले छह महीने से तो साबिर भाई और तमाम हजरात आप लोग जानते हैं कि बारिश की रुक जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, आज बारिश नहीं रुकी लेकिन लोग नहीं रुके अल्हम्दुलिल्लाह, बारिश चल रही है और साथ साथ में लोग भी चल रहे हैं। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए, आप यकीन जानिए ये अपने आप में एक इंकलाब है। इतनी सारी खवातीन का इतनी तेज बारिश में अपना घर छोड़कर, लड़कियां हैं, खवातीन, बड़ी बड़ी खवातीन हैं, उनका किसी तालीमी प्रोग्राम में पहुंचना ये अपने आप में इंकलाब है और आप यकीन जानिए पूरी कौम को अब तरक्की हासिल करने से कोई नहीं रोकता। इस कौम में, इस मुआशरे में लोग तालीम की अहमियत को समझें, जिस कौम में लोग तालीम के प्रोग्राम में शिरकत करने की कोशिश करें और खास तौर पर खवातीन शिरकत करें तो आप यकीन मानिए उस कौम का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है, बहुत रोशन है, बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। क्या आप लोगों की आज की हाजिरी सिर्फ एक प्रोग्राम की हाजिरी नहीं है, आप ये समझिए कि अल्लाह पाक ने हम सब लोगों को इशारा हुआ है कि हम जो है इस तरह के प्रोग्राम में यहाँ शिरकत करें। मैं आपको यकीन के साथ एक बात बोल सकता हूँ कि जो ये प्रोग्राम का टाइटल है माँ तुझे सलाम, तो ना सिर्फ वडाला की बात नहीं कर रहा मैं, अपने इलाके की एक्टोपिल की, वडाला की, या साइन कोली वाला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे शहर मुंबई की बात करता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि इस टाइटल से आज तक किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं रखा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये शर्फ हम लोगों को और हमारी टीम को दिया कि हम लोगों ने इस तरह का एक प्रोग्राम प्लान किया कि वो माएँ, वो खवातीन, वो मेरी माएँ बहनें जिन्होंने तालीम को अपने घर का एजेंडा बनाया, जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई को अपना फोकस बनाया, जिन्होंने तमाम कुर्बानियों के बावजूद अपने बच्चों की तालीम पर हमेशा ध्यान दिया, उन सबको कहीं ना कहीं सम्मान मिलना चाहिए, ऑनर मिलना चाहिए और वो कहीं ना कहीं वो तमाम ही लोग जो है काबिल मुबारकबाद है कि जिन्होंने तालीम को एजेंडा बनाया और उनके लिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है। दो दिन पहले, आज से दो दिन पहले, आज 7 सितंबर की तारीख है, 5 सितंबर दो दिन पहले गुजरा है, आप सब लोग जानते होंगे कि 5 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, यौमे असातिज़ा के तौर पर 5 सितंबर मनाया जाता है। यौमे असातिज़ा के दिन लोग अपने टीचर्स को गिफ्ट देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, प्रोग्राम होते हैं, आप सब लोग जानते हैं हमारे सबके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। हमने ये महसूस किया कि किसी बच्चे के लिए जो सबसे बेहतरीन उस्ताद है, जो सबसे अच्छी उस्ताद है, सबसे पहली उस्ताद है, वो कहीं ना कहीं उसकी माँ है। कुरान शरीफ की एक हदीस शरीफ है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तालीम हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। तो ये हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसमें कहा जाता है कि तालीम हासिल करिए माँ की गोद से कब्र की गोद तक, मतलब माँ की गोद जो है बच्चे की पहली दरसगाह है, इसलिए सबसे पहली टीचर अगर बच्चे की कोई है तो वो उसकी माँ है। इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए, इस बात का जश्न मनाने के लिए, इस बात की खुशी मनाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो आप ये महसूस करेंगे कितना तारीखी दिन है आज का, आप लोग इसको इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है, मैं चाहता था कि ये दिन यहाँ इस इलाके में रहने वाले उन तमाम गाँव के लिए इतना यादगार बनाया जाए कि ये जिंदगी भर आज के इस दिन को याद रखें कि कोई ऐसा शख्स यहाँ आया था जिस
جائے الحمدللہ. میں یوں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بچے کی زندگی میں، کسی بھی خاندان کی زندگی میں، کسی محلے اور معاشرے کی زندگی میں، کسی سماج کی زندگی میں یا کسی ملک کی ترقی میں سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ جو لفظ ماں ہے یہ اس کا رول ہوتا ہے. صبح گھر میں سب سے پہلے اٹھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ماں ہے. گھر میں رات سب سے آخر میں سونے والا کوئی ہے تو وہ ماں ہے. اور یہ اٹھنے اور سونے کے بیچ میں ایک منٹ بھی بیٹھنا نہیں لگا تار کام کرتا ہے. مرد ایسا ہے، باپ جو ہوتا ہے بچے کا وہ گھر سے باہر جاتا ہے کام کے لیے آتا ہے، آرام کرتا ہے، تھوڑی سی لائف گورنر ہی دکھاتا ہے، ہے نا، اس کو بہت آرام چاہیے. لیکن ان تمام چیزوں کو نہ صرف بچوں کو پالنا ہے بلکہ پوری فیملی کو پالنا ہے، خاص طور پہ ہسبینڈ کو سنبھالنا ہے. یہ تمام کام کرنے کا کام جو ہے وہ ماں کرتی ہے. وہی جو ہے گھر کا محور ہوتی ہے، وہی جو ہے گھر کا سینٹر ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ ماں کی ذات، ماں جو ہے لفظ ماں جو ہے اس کو سیلیبریٹ کریں اور اس کا اس کو سمان دیں، اس کو آنر کریں اور اس کو جو ہے اس کو آگے بڑھانے کا کام کریں. اس نیک مقصد کے ساتھ ہم نے آج کے پروگرام یہاں پر منعقد کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اور آپ سب لوگ بھی دعا کر کے ساری باتیں جو میں بول رہا ہوں، یہ جنرل بول رہا ہوں، پوری باتیں میری خود کی ماں کے لیے جو اتنی سادی جاتی ہے بہت جنرل بات کر رہا ہوں، لیکن یہ تمام چیز میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، محسوس کیا ہے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے لے کے بڑی بڑی قربانیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال لے کے بڑی بڑی باتوں کا خیال رکھنا، ان تمام چیزوں کو جس طرح ماں سنبھالتی ہے وہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بغیر ماں کی کوششوں سے دنیا میں کوئی ترقی حاصل نہیں کر سکتا. بغیر ماں کی محنتوں سے دنیا میں کوئی بچہ آگے بڑھ نہیں سکتا. ماں کی کوششیں اور ماں کی دعائیں ہی دنیا میں ترقی کی ضامن ہے، دوسری کوئی چیز نہیں. جنرل بول رہا ہوں، مجھے سب جنرل اپنی ماں کے لیے بول رہا ہوں. اللہ، یہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے بہت سارے، کم عمر لڑکیاں زیادہ ہیں، ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ زندگی بھر نہ صرف اپنی ماں بلکہ ماں اور باپ دونوں دونوں کی عزت احترام کہیں کمی آنے نہیں دیں، اور جب ہم خود بھی ماں بنیں تو یہ کوشش کریں کہ آنے والی جو پوری جنریشن ہے، جو مستقبل ہے قوم و ملت کا، پورے ملک کا، وہ ہماری گودوں میں کھیل رہا ہے، تو اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کی زندگی کو اس طرح سے پروان چڑھائیں کہ آپ یہ سوچ کے پروان چڑھائیں کہ میری گود میں سلطان صلاح الدین ایوبی پل رہا ہے. تالیاں تالیاں تالیاں. آپ یہ سوچ کر اپنے بچوں کی پرورش کریں کہ میری گود میں ٹیپو سلطان پیدا ہوا ہے. آپ یہ سوچ کر اس کی پرورش کریں کہ میری گود میں محمد صلی اور اشفاق اللہ خان کی پرورش ہو گئی. جب مائیں ایسے بچوں کی پرورش کریں گی تبھی انقلاب آتا ہے، تبھی دنیا آگے بڑھتی ہے، تبھی ملک آگے بڑھتا ہے. اگر ہم صرف یہ سوچ بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی تو نہیں ہوگی، کسی کی ماں کی گود میں پیدا ہوا ہوں گے، کسی ماں نے کیسی تربیت کی ہوگی ان کی کہ انہوں نے پورے پورے ورلڈ میں اپنا سکہ جمایا. ایسی تمام مثالیں ہیں، اور تمام مثالوں کے پیچھے اگر آپ ہسٹری پڑھنے کی کوشش کریں گے تو صرف ایک عورت کا نام آئے گا، وہ ہوگا ان کی ماں کون. چاہے آپ ایک بچی بھی ابھی سیدنا غوث پاک سرکار رحمتہ اللہ علیہ کا نام دے رہی تھی کسی بات پہ، اس سے بات کرتے وقت آپ اندازہ لگائیے، آپ ہسٹری پڑھیے کہ ماں کی کیسی تربیت ہے کہ سرکار غوث پاک ایک پڑھنے کے لیے چینان جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے بغداد جا رہے ہیں اور راستے میں ڈاکٹروں کو پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے تیرے پاس کتنا پیسہ، تو مجھے 40 دینار ہے. بولے ہے دکھائی نہیں تو نہ 40 دینار، تو بولے لیکن یہاں ہاتھ پہ بدھا ہوا ہے. یعنی وہ بچپنے میں وہ
पूरी डाकुओं की टोंक को पलटने का काम जो है सरकार गौसफा की जरिए जो हुआ उससे वो सिर्फ माँ की तरबियत की वजह से हुआ। क्या तालिया तालिया। हम लोगों को जिंदगी भर ये कोशिश करनी है कि हम लोगों को अपनी गोदों में ऐसे ऐसे बच्चे पालना है जो आगे बढ़कर कहीं ना कहीं कौम मिल्लत का नाम रोशन करने का काम करें, अपने खानदान का नाम रोशन करने का काम करें, अपने इलाके का नाम रोशन करने का काम करें। और इंशाअल्लाह ये दिन दूर नहीं, आप लोगों की यहाँ तादाद ये बता रही है कि हम तालीम के मामले में भी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में सबसे आगे होंगे, हम इकोनॉमी के मामले में भी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में सबसे आगे होंगे। जिस जिस फ्रंट पे जरूरत पड़ेगी उस फ्रंट पे हम आगे होंगे इंशाअल्लाह। इस अहद के साथ हम लोग यहाँ से होंगे। मेरा नाम इन्होंने बताया आमिर देशी है। मैं बहुत मुतवस्सित घराने का था, एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक था। अब आपने पढ़ाई लिखा के इंजीनियर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैं साबू सिद्दी के इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन हुआ। कम से कम 2.5 साल में जो है साबू सिद्दी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता रहा। उसके बाद फिर मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी ज्वाइन की, उसमें कम से कम 6 साल मैंने काम किया। बहुत सीनियर पोजिशन पर काम कर रहा था वहाँ पर। एक कंप्यूटर इंजीनियर होने की वजह से मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने एक तंजीम की बुनियाद डाली। जब मैंने ये देखा कि ठीक है हम पढ़ लिख लिए, हमारे साथ बहुत माँ बाप का उनकी मेहनत थी, अल्लाह का करम था कि हम पढ़ लिख कर किसी न किसी पोजीशन पर पहुँच गए। अब जरूरी ये है कि हम लोग अपनी मेहनतों के जरिए अपनी टैलेंट के जरिए पूरे समाज को किस तरह से फायदा पहुँचाए, उसके लिए हमने एक तंजीम की बुनियाद डाली। उस तंजीम का नाम रखा एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, यानी पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों की तंजीम की बुनियाद पिछली जगह मुंबई में आज से 12 साल पहले मैंने डाली। फिर मैंने उसमें अलग अलग लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आलम है कि वो छोटी सी कोशिश जो आज से 12 साल पहले हमने की थी, आज पूरे हिंदुस्तान के 100 से ज्यादा शहरों में हमारी ब्रांचेस कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। न सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क के बाहर तकरीबन 15 से 20 अलग अलग कंट्रीज में हमारी ब्रांचेस कायम है। और इस तंजीम का दो ही बुनियादी मकसद रखा, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये तंजीमें जो है सिर्फ इन दो चीजों पे काम करेगी, तालीम के मैदान पे काम करेगी और रोजगार के मैदान पे काम करेगी। कम से कम 1000 से ज्यादा स्कूलों में हमारे वॉलंटियर्स काम करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। कम से कम 200 अलग अलग कॉलेजेस में हमारे वॉलंटियर्स काम करते हैं पूरे इंडिया में। बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियल मदद करते हैं, करियर गाइडेंस की मदद करते हैं। ये जो मेरे पीछे बैठी है सौजना मैडम बैठी है, ये मैडम बैठी है सकीना मैडम है, ये सब लोग बहुत आला तालीम याफ्ता लोग हैं। इनको जिनको हमने यहाँ पर बुला के दिखाया है ये सब एमपी के मेंबर हैं। नीचे आप देख रहे हो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो लोग, जो बारिश के दिन में काम कर रहे हैं हमारे और आपके लिए। हमारे साथी है रजाक भाई, रजाक भाई वो IDFC बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है। आप अंदाजा लगाइए वो इस प्रोग्राम के लिए लगातार जो है दोपहर में 12 बजे से यहाँ काम कर रहे हैं। ये इफ्तिखार भाई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके, ये कोटक कोटक रिसर्च की कंपनी है, कोटक रिसर्च को उसमें ये वाइस प्रेसिडेंट है। ये फरहान है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और ये बहुत बड़ी कंपनी का जो है के सेल्स के मैनेजर है। ये यहाँ जावेद भाई बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग कंपनी के मालिक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के जो लोग हैं वो इस पूरी टीम से वाबस्ता है, यानी हाईली एजुकेटेड जो क्लास हो सकता है मुसलमानों का वो इस वक्त AMP के साथ जुड़ा हुआ है। और AMP पढ़े लिखे मुसलमानों की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गलती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक छोटी सी कोशिश हम लोगों ने शुरू की थी, आज इस मकाम पर पहुंची। हमने बड़ाला इलाके को भी चुना, ये जो इलाका है हम लोगों का, ये एक यू समझिए साबिर भाई हमारे हमेशा बोलते रहते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, आबादी कम से कम 10 लाख की होगी। यहाँ पर तालीम बुनियादी मसला है, रोजगार और गंभीर मसला है, हेल्थ और बड़ा प्रॉब्लम है, दुनिया का तमाम प्रॉब्लम हमारे मोहल्ले में है। हम लोग जहाँ से आए हैं यहाँ रहते हैं वो तमाम मसला। हमने इस इलाके को चुना कि यहाँ पर हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। हमने यहाँ पर एक स्किल ट्रेनिंग का फेयर किया एंटॉप हिल में भटपुरी शबाबा दरगाह के मैदान में। पहले आज से 6 महीने पहले हमने एक फेयर ऑर्गेनाइज किया उन बच्चों के लिए जिनकी तालीम अधूरी रह गई है, जिनकी तालीम पूरी नहीं हो सकी, ये वो बच्चों को कहीं ना कहीं फ्री ट्रेनिंग दिलाकर कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ा जाए। हमने बहुत मेहनत की, कम से कम 17 कंपनीज आई थी वहां पर और 1000 वैकेंसीज थी। अगर 1000 बच्चे उस दिन आते तो 1000 बच्चों को उस दिन इंशाल्लाह फ्री ट्रेनिंग में हम दाखिला दिलवा पाते। फ्री अहमद भाई, फ्री ट्रेनिंग, कोई पैसा नहीं लगने वाला।
तीन महीने की चार महीने की आप ट्रेडिंग करिए और उसके बाद आपको 10,000, 12,000, 15,000 में जॉब लगेगा, कितनी अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ 200 बच्चे आए। मैं अगर कोई मुशायरा रखता, कोई ऑर्केस्ट्रा रखता, कोई कव्वाली का प्रोग्राम रखता तो पूरा रोड ब्लॉक करना पड़ता, लेकिन मैंने वो प्रोग्राम नहीं किए। मैंने तय किया था कि अब यहाँ पर अगर आए हैं तो एजुकेशन पर ही बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पर ही बात करेंगे, इकोनॉमी पर ही बात करेंगे, हेल्थ पर ही बात करेंगे, इशूज जो हमने तय किए उसी पर बात करेंगे, चाहे जो हो। लोग आज भी आए कल आएंगे इंशाल्लाह। फिर मैंने इलाके में घूमना शुरू किया, उलमा की मीटिंग किया, मस्जिद में गया, लोगों से बात किया। आज अलहमदुल्ला ये आलम है कि इतनी भरी बरसात होने के बावजूद आपको इतने सारे लोग यहाँ मौजूद है। सिर्फ चार महीने की मेहनत है हम लोगों की अलहमदुल्ला। अगर ये बारिश नहीं होती तो ये हॉल जो है हम लोग कम पड़ता, हम लोगों ने बाहर भी जगह रखी थी, बाहर भी जगह स्क्रीन लाके बाहर भी लोगों को बिठाना पड़ेगा। हम लोगों के पास सिर्फ ग्रेजुएट जो है वो कम से कम 600 से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ ग्रेजुएट से आया है, कम से कम 300 टीचर्स का रजिस्ट्रेशन अलग से आया है। इतने लोग आने वाले थे, अगर ये अपने साथ इतने लोगों के साथ भी आते तो ये हॉल बहुत छोटा था। तो अगर मेहनत करें, सब मेहनत करें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है, उसका बहुत अच्छा नतीजा लाया जा सकता है। तो हमने ये तय किया है कि हम इस इलाके में काम करेंगे, इस इलाके में जो है डेवलपमेंट का काम करेंगे। बदकिस्मती की बात है कि पूरी मुंबई शहर में जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है वो हमारा इलाका माना जाता है। अगर मैं पॉलिटिकली एक जुमला बोलूं तो पूरी मुंबई शहर में ऑर्गेनाइजेशन ने चार से छह दिन पहले एक सर्वे किया कि एमएलए का, जो एमएलए हम लोग चुन के भेजते हैं उनका सर्वे किया तो 32 लोगों के सर्वे में हमारा एमएलए 31वें नंबर पे आता है। इतनी बुरी हालत में हम लोग रहते हैं, क्या हम लोग ये इसके मुस्तहिक हैं? मतलब डू वी डिजर्व दिस? हम लोग इतना बुरा रहना चाहते हैं क्या? हम लोग सौतेले हैं कि मतलब हम लोग शहर मुंबई के या हिंदुस्तान के नहीं है, हम सौतेले हैं कि हमारे साथ इंसाफियां होगी कि हमारे तक चलने के लिए रोड नहीं होगा, पीने के लिए साफ पानी नहीं रहेगा, दवा खाने के नाम पर एक ये सरकारी दवा खाना नहीं रहेगा, एक सच्चा खाना, एक नर्सिंग होम, एक हॉस्पिटल नहीं रहेगा हम लोगों के लिए। ये हम लोग हमारी गलती क्या है बताइए? ये सरकार हम लोगों को बताए कि हमारे नुमाइंदे हमको बताए जिनको हमने लगातार चुन चुन के भेजा है, हमने लगातार वोट कर करके जो है इन लोगों को भेजने का काम किया, चिताने का काम किया और बदले में इन्होंने हमको क्या दिया है? इन सभी लोगों ने हम लोगों को मिलकर जो है वोट देने की मशीन बना के रखा हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं समझते हम लोग। सिर्फ वोट दिए जाओ। कभी इससे डराएंगे, कभी उससे डराएंगे, कभी उससे डराएंगे, कभी मजहब के नाम पर वोट मांगेंगे, कभी जात के नाम पर वोट मांगेंगे। हम वोट दें और ये लोग नोट कमाएं। हमारे जो मसाइल है उस पर किसी को कोई चर्चा करने की फुर्सत नहीं होती। मैं कितनी सिंपल बात, डॉक्टर्स के पास यहाँ पर गया, मैं डॉक्टर्स के यहाँ बैठता हूँ, देखता हूँ औरतें लाइन लगाई हुई है। ज्यादातर जो है उर्मिला, ज्यादातर जो है ना लेडीज लोग रहती है, लेकिन जो हम लोग डॉक्टर्स के पास जाकर बैठ रहे हैं, छोटी छोटी बीमारियां, उसमें भी जब उसकी बीमारी एकदम सर चढ़ जाती है ना उसके बाद आती हो, वरना वो खातून जो है वो 20 रुपया 50 रुपया बचाना चाहती है कि मेरे बच्चों के काम आएगा। एक दवा जो 20-25 रुपए की दवा लेके वो अपनी सेहत ठीक कर सकती थी तो उसको भी बताती है अपने उसी बच्चे के लिए कि जाने दो बुखार है, खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, 50 रुपया बच जाएगा अपने ऊपर। और जब वो नासूर बन जाता तब वो डॉक्टर के पास आती है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसके बाद क्या क्या होता है आप बता सकते हैं। कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा गलत दवाइयों की वजह से यहाँ तकलीफ हुई। आज भी जो है ना, आज भी मैं एक खातून की मैयत में जाने वाला हूँ, उसके साथ यही हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोग बात क्यों नहीं करते? ये सारी प्रॉब्लम हम लोगों को परेशान क्यों नहीं करती? एक स्कूल बताइए, 10 लाख की आबादी का स्लम है, एक सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है, आप बताइए मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, कहाँ पढ़ाई करेंगे? लड़कियां, यंग लड़कियां हैं, उनको ग्रेजुएशन करना है, किस कॉलेज में जाएंगे आप बताइए? क्या तो आप साइंस चाहिए, क्या तो वडाला ट्रेन करिए, पटरी क्रॉस कर भी जाइए। रोजाना 10,000 बच्चे पटरी क्रॉस करते हैं, किसी को इस बात का ख्याल नहीं है कि वहां पर कुछ इंतजाम किया जाए। कौन ठीक करेगा आप बताइए ना उसको? कौन कॉलेजेस बनाएगा हम लोगों के लिए? तालीम अगर हमारा एजेंडा नंबर वन होना चाहिए तो ये स्कूल जो कॉलेजेस क्यों नहीं है हम लोगों के इलाके में? तो ये नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई भी एक बात गलत कर रहा हूं क्या इसमें? आप बताइए, ये मेरे बुनियादी हुकूक है।
और इसको हासिल किए बगैर अब तो नहीं बैठेंगे जेल से, क्योंकि अब हम आ गए यहाँ पर। अब तक कोई सवाल नहीं पूछा था आपने, बवाल में दहल बोर्ड में खड़ा रहकर सवाल पूछूंगा, स्टेज लगाकर सवाल पूछूंगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दे सकते तो हट जाओ, कुछ कर नहीं सकते तो यहां पर आपको उस पोजीशन पे बैठने का कोई हक नहीं, आप छोड़कर अल्लाह के वास्ते हट जाइए। हमारा मकसद है, आप जो लोग यहाँ फेसबुक पे आपको देखेंगे, मैंने एक चीज लिखनी शुरू की, वंडरफुल वडाला, यानी मेरा वडाला वंडरफुल बनना चाहिए, वंडरफुल यानी सबसे बेहतरीन बनना चाहिए, इस मकसद के साथ मैंने यहाँ पर काम शुरू किया है। अगर मैं उसी को साइन बोली वाला बोलू तो सबसे बेटर साइन बोली वाला बनना चाहिए, मकसद के तहत जो है हमने ये काम शुरू किया है और उसको इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। पिछले 15 सालों में हमने पूरे हिंदुस्तान में काम किया है, अब तो सिर्फ एक इलाका छोड़ लिया है इंशाल्लाह, अब तो कितने अच्छे से काम करेंगे कि दुनिया देखेगी और आप सब लोग जाकर पूरे हिंदुस्तान में पूरे शहर मुंबई में बोलेंगे कि हम लोग को हर जगह पर एक आमिर इस तरह से होना चाहिए जो इलाके के मसाइल को हल करने का काम करता हो, हल करना जानता हो। क्या आप लोग इंशाल्लाह कल जाकर पूरे लोगों से बोलने का काम करेंगे। मैं आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम को पॉलिटिकल नहीं करना चाहता, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आप सब लोगों से मिलने के लिए आऊंगा, आपके दरवाजे आऊंगा इंशाल्लाह, एक एक आदमी से मिलूंगा इंशाल्लाह। मुझे सिर्फ अपनी दुआओं से नवाजिएगा, आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा। मैंने ये जैसे दो तीन मिनट और बोलता हूँ, जैसे ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर आया क्योंकि आज का प्रोग्राम रखा, ये बामकसद प्रोग्राम है कि नहीं है बताइए आप, तो ऐसे बामकसद प्रोग्राम की जरूरत है हम लोगों को। मैंने यहाँ पर जॉब फेयर किया, मैडम रक्षा खान यहाँ बैठी है, ये एचओडी है नॉलेज सेंटर में, बहुत सीनियर पोजीशन पर है, आप क्यों समझ लीजिए है तो एचओडी मगर तकरीबन प्रिंसिपल का काम करती है उस कॉलेज के, पूरा कॉलेज मैनेज करने का मैडम कर रही है, उनके कॉलेज से हमने जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया, मैंने स्किल फेयर का बताया आपको ऑर्गेनाइज किया, हमने अलग अलग जगह पर करियर गाइडेंस के कैंप स्थापित करना शुरू किया। मैं चाहता तो फिर से वो सर में बर्थडे सेलिब्रेट, मेरा बर्थडे क्या एक महीने पहले, मैं बर्थडे के प्रोग्राम्स करता, ईद मुबारक के प्रोग्राम्स करता, तो वाली मुशायरा और ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करता, लेकिन नहीं, हम सबको मिलकर एजेंडा को बदलना है, हम सबको मिलकर अपने मुद्दों को बदलना है और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ये तमाम चीजें करके दिखाएंगे, वरना आप उससे भी यही सवाल करिएगा जो सवाल मैं आपसे आज पूछने के लिए कह रहा हूँ, यही सवाल हर आदमी से होना चाहिए। अगर काम करने वाले लोग हों तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है, अगर किसी खुलूस नियत हो, अच्छा इरादा हो, काम करने का सलीका आता हो, पढ़े लिखे हो, दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर एक आदमी करके दिखा सकता है, वो भी दो हाथ दो पैर दो कान दो एक नाक वाला है, तो वो काम हम सब भी कर सकते हैं, हम किसी में भी कमजोर नहीं है, किसी से भी कम नहीं है, और वो कोई ऐसे नहीं है कि जो लगा के आए हैं और वो ही कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते। मुझे इन तमाम कामों को करने में सभी लोगों का साथ चाहिए, खासतौर पर खवातीन का, मेरी माओ और बहनों का साथ चाहिए, और उसमें भी खासतौर पर जो यंग लड़कियां हैं, वो जो आज की जनरेशन है, एजुकेटेड लड़कियां जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, यू हैव टू रियलाइज दिस, यू हैव सीन द वर्ल्ड, आप लोग एंटोपिल से बाहर भी गए हो, आपने यहीं पर रेल पटरी की इस तरफ और इस तरफ की दुनिया दोनों देखी है, कि इस तरफ तीसरी दुनिया है और उस तरफ जो आपको लगेगा कि अमेरिका है, रेलवे क्रॉस करते ही साथ इस तरफ देखेंगे देयर इज नो कॉलेज, उस तरफ देखेंगे कॉलेजेस का जाल बिछा हुआ है, इस तरफ देखेंगे देयर इज नो स्कूल, उस तरफ जाके देखेंगे देयर आर सो मेनी स्कूल एंड दे टेक डोनेशंस अप टू 1 लाख 2 लाख 3 लाख और हम लोग ही देते हैं वो सब। एक पटरी कितना डिफरेंस कर देती है आप देखिए, इस पटरी के इस तरफ सौतेले बच्चे हैं, पटरी के उस तरफ सब सगे बच्चे हैं, ऐसा लगता है आप लोगों का भी कभी, तो हम बताने आए हैं कि हम सौतेले नहीं, हम लोग उतने ही सगे हैं जितने बाकी लोग हैं, सीधे से नहीं दोगे तो तेरा करके ले लेंगे इंशाल्लाह, इज्जत से नहीं मानोगे तो खरीद करके लेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो यंग बच्चियां बैठी हैं, खासतौर पर मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कि आपने देखा है हमने इसके ग्रेजुएट्स को बुलाया, हम उसको थोड़ा नीचे रखते तो हजारों हो जाते, लेकिन हमने ये तय किया कि जो ग्रेजुएट्स हैं मैडम उनको बुलाया जाए, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए, ताकि उन बातों को वो समझें, कि लड़कियों ने दुनिया देखी हुई है, लड़कियों का अपना एक पर्सपेक्टिव है। मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश की हो। मैं आपको वादा दिलाना चाहता हूँ, मेरी छोटी छोटी बच्चे हैं, एक बेटी मेरी यहाँ बैठी है सामने, बड़ी बेटी, चार बेटियां हैं मेरी, जब से चार बेटियां तब से मैं और ज्यादा सोचने लगा हूँ कि क्या होता है, एक मर्द के कहीं मर्द जैसा बन के आप सोचो अलग सोच है, एक औरत की बहुत अलग सोच है, एक लड़की की बहुत अलग सोच है,
उसको कहीं ना कहीं हम लोग को महसूस करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा और वो क्या सोच रही है उसको समझना पड़ेगा। आमतौर पर हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सजेशंस दें। मेरे दिमाग में मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ सोचता हूँ, सब कुछ करूंगा, मुझे साथ की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। और ये जो यंग लड़कियां यहाँ पर आई हुई हैं, आप लोगों के खास सपोर्ट की जरूरत है कि यू प्लीज टेल मी कि व्हाट एग्जैक्टली वी मस्ट प्लान, व्हाट एग्जैक्टली वी मस्ट डू, व्हाट एग्जैक्टली शुड बी आवर एजेंडा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम एंड व्हाट सॉल्यूशन यू लुक इनटू इट, ये आप मुझे बताइए। मुझे मुझसे डायलॉग होगी, इंटरेक्शन होगा, आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह आप जहां मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। मेरी टीम की हाईली एजुकेटेड जो लोग हैं वो लोग आएंगे, जरूरत पड़ी तो हमारे जो ये लेडी मेंबर्स हैं इंशाल्लाह ये लोग भी आएंगे और हम बात करेंगे और हम चीजों को आगे लाएंगे। हम सबको जो है मिलकर इस पूरे इलाके को बदलना है। आज हम लोग ये तय करें कि हम सब लोग मिलकर इस बड़ाला को, इस एंटोपी को, इस साइंस गोलवाला को बदल के दिखाएंगे, इस इलाके को मॉडल इलाका बना के दिखाएंगे, इस इलाके को पूरी बंबई शहर में ये बोला ना रहती है कि अगर कोई इलाका है तो बड़ाला जैसा होना चाहिए, अगर कोई इलाका है तो साइंस गोलवाला की तरह होना चाहिए, अगर कोई इलाका है तो एंटोपी की तरह होना चाहिए। और इस इलाके को मैं वादा करता हूँ कि मरकज बना दूंगा बंबई शहर का। आज अगर बंबई शहर में कोई बात मदनपुरा से शुरू होती है, नागपाड़ा से शुरू होती है, तो कल इस इलाके में शुरू होगी और पूरी बंबई शहर में जाएगी, ना सिर्फ बंबई शहर में जाएगी बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। और ये मेरे साथ काम करने वाले लोगों ने जाना है कि मैं जहाँ बैठ गया वहाँ बैठ गया, हजरत दाग जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए, जहाँ बैठे वहाँ से काम करके ही उठे वरना नहीं उठे। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, आप लोगों से दुआओं की गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।